बिंद क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन के हार्दिक स्वागत करी थे। आज मुद्दा मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल जल्द गिर सकत ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, यह मुद्दा आज हम लेके आए हैं। जौने माँ अपना का बताया दी कि हाल में यह बयान के हवा तेज काहे हो गई ही या यह मुद्दा गर्म काहे है। कहे कि हाल में भाजपा के पदाधिकारी और पूर्व भाजपा के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा के द्वारा यह बयान देगा कि कर्नाटक और गोवा के बाद अब मानसून मध्य प्रदेश में। अपना का बताए दी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों कांटे के टक्कर में रहे, किंतु लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत कहां कहां भाजपा पार्टी पर एक जबरदस्त आत्मविश्वास के बढ़ोतरी करी, किंतु विधानसभा में अंक गणित में पीछे होए के चलते मध्य प्रदेश में सरकार बनावे से दूर हो गए। जौने के लोकसभा चुनाव में खूब बयानबाजी देखी गई, जौने में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र तोमर के हाल में अभी कुछ दिन पहले बयान आ रहा, मतलब कुल मिला के तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेशों के सरकार की स्थिति अल्पमत में ही, अल्पमत का है। कहे कि कांग्रेस के पास केवल 114 सीट है और भाजपा के पास 109 रही, अब 108 हो गए। कहे कि एक विधायक सांसद बन चुके हैं, जोने के चलते अब 108 सीट है। हाल में अब चुनाव हुई उसके बाद देखा जाए कि वह सीट कांग्रेस के पास जाती कि भाजपा के पास जाती। अब अपना का बताया दी विश्व सूत्र से एक ठेव जानकारी प्राप्त हुई ही कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरावे के केंद्र से परमिशन मिल चुकी है। केंद्र मतलब भाजपा के शीर्ष संगठन, उनके द्वारा परमिशन दी गई ही कि मध्य प्रदेश में यदि हालात हैं तो गिरा दी जाए। और जोने में प्रयास भाजपा के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के उनके द्वारा की जाप शुरू हो गया है और यहां तक कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर यह सरकार गिर गई। अब यह देखा दिलचस्प हुई कि यह सरकार रह पावती या जाती, किंतु कमलनाथ सरकार के यह जो 6 महीने के कार्यकाल बीता है वो मां अपना दिखे हो कि ज्यादातर तबादलन में सरकार ध्यान दी, ऋण माफी में भाजपा के द्वारा कांग्रेस सरकार का खूब घेरा गा। अब यह तबादला उद्योग में हाल में एक ठेकल की खबर रही कि 46 डॉग स्क्वाड मतलब कुत्तन के ट्रांसफर कई दिन का, और दूसरा अभी एक पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय से ट्रांसफर भी जौने में एक सरपंच के ट्रांसफर कई दिन का, तो यह दुखद है और एक मिसमैनेजमेंट समझ में आवत है। अब यह देख सबसे बड़ा दिलचस्प हुई कि यह कांग्रेस की सरकार जो अल्पमत में ही और लगातार भाजपा के द्वारा धमकी दी जाती कि सरकार गिराए दी गई, अब यह देखे कोई कि 15 दिन या 20 दिन में का हालात बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत